नमस्कार, स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत दरभंगा की खबरों के साथ। दरभंगा में पार्सल ब्लास्ट की एनआईए जांच कर सकती है। एनआईए मामला दर्ज कर सकती है। लखनऊ में यह मामला दर्ज हो सकता है। जांच के लिए एनआईए की टीम बिहार आएगी। तो बता दें कि दरभंगा ब्लास्ट मामले में अब एनआईए जांच कर सकती है। और बताते चले कि पार्सल ब्लास्ट की एनआईए जांच कर सकती है। एनआईए मामला दर्ज कर सकती है। लखनऊ में यह मामला दर्ज हो सकता है। वही जांच के लिए एनआईए की टीम बिहार आएगी। तो दरभंगा में पार्सल ब्लास्ट की एनआईए जांच करेगी और मामला दर्ज कर सकती है एनआईए। लखनऊ में यह मामला दर्ज हो सकता है। जांच के लिए एनआईए की टीम बिहार आएगी। तो खबर दरभंगा से, जहां पार्सल ब्लास्ट की एनआईए अब जांच कर सकती है। एनआईए मामला दर्ज कर सकती है। लखनऊ में यह मामला दर्ज हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मरगूब, दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले की अब एनआईए जांच कर सकती है, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, सिकंदराबाद से जो ट्रेन चलती है दरभंगा के लिए, सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस के पार्सल वैन में पार्सल उतारने के दौरान वहां एक विस्फोट हुआ था। विस्फोट के बाद वहां हड़कंप मच गया था। तत्काल जीआरपी की टीम वहां पहुंची थी, बिहार पुलिस की टीम पहुंची थी, जांच शुरू की गई थी। वहां से एक बोतल मिला था, उसमें कुछ केमिकल था और उसे भेजा गया था फोरेंसिक लैब में जांच के लिए। लेकिन यहां फोरेंसिक लैब में जांच में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया, इसीलिए उस पूरे केमिकल को कोलकाता भेज दिया गया। लेकिन इस बीच जिस तरीके से ये पूरा मामला आया कि जो जिस व्यक्ति ने पार्सल भेजा था उसका जो सीम दिया गया था वो शामली में किसी व्यक्ति के है, तो जो सीम लेने वाले व्यक्ति हैं उनके बेटा और व्यक्ति और जो जिसके नाम पे सीम है दोनों को फिलहाल यूपी एटीएस ने शामली से गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। एक ही आईडी पे दो सीम लिए गए थे। उसके बाद जब ये पूरा मामला जैसे ही आगे बढ़ा, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंपने का फैसला किया कल, और उसके बाद आज लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज होने जा रहा है। और संभावना है कि आज से कल तक, अगर आज एनआईए की टीम नहीं आती तो कल एनआईए की टीम दरभंगा पहुंचेगी और पूरे विस्फोट मामले की जांच करेगी। देखिए, मामला बहुत सेंसेटिव है, बिल्कुल केमिकल का मामला है। और जो सूत्र बता रहे हैं स्लीपर सेल इस पूरे मामले में हो सकता है एक्टिव हो, उसका काम हो, तो इसे देखते हुए जो एटीएस के स्तर पर जो कार्रवाई हो रही थी उस पूरे कार्रवाई को तत्काल कह सकते हैं, क्योंकि यूपी एटीएस ऑलरेडी कार्रवाई कर रही है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को पूरा मामला जाएगा और एनआईए पूरे मामले में जांच करेगी। तो फिलहाल एनआईए के जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा। लेकिन इतना तय है कि पूरे मामले में जिस तरीके से सर्कमस्टांसेस है, तो पूरे मामले को जो एजेंसियां हैं वो जोर करके कह सकते हैं कि किसी प्रोसेस से देख रही हैं। और पूरे मामले में कहीं ना कहीं लोगों इस बात का है, ये पूरा मामला बहुत बड़ा या गंभीर हो सकता है, बड़ा मामला होता है, इसीलिए एनआईए को पूरी जांच की कार्रवाई दी जा रही है। आज हमारे पास जानकारी है, आज इस पूरे मामले में एक मामला दर्ज हुआ लखनऊ में, और फिलहाल एनआईए की टीम एक या दो दिन में एनआईए की टीम घटना का निरीक्षण करेगी। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और साइंटिफिक आधार पर एनआईए की टीम पूरे मामले की जांच करेगी। जी बिल्कुल मरगूब, चलिए हम आपसे पल पल के अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बता दें कि दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले की अब एनआईए जांच करेगी और एनआईए मामला दर्ज करेगी। यानी लखनऊ में यह मामला दर्ज हुआ और जांच के लिए एनआईए की टीम अब बिहार आएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पूर्णिया से, जहां 50,000 इनामी बदमाश नवीन मंडल को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने कार्रवाई की है। सरकार ने नवीन मंडल पर 50,000 का इनाम रखा था। एसटीएफ की टीम पूछताछ करे तो बताते चले कि 50,000 का इनामी बदमाश नवीन मंडल को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहाँ सरकार ने नवीन मंडल पर 50,000 का इनाम रखा था। एसटीएफ की टीम पूछताछ कर रही है। तो पटना से खबर, जो बिहार भाजपा संगठन में बदलाव, यानी प्रदेश उपाध्यक्ष बेबी कुमारी महामंत्री बनी है। प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ शंभु प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं। विधायक अनिल राम प्रदेश मंत्री बने हैं। महामंत्री जनक राम की यानी मंत्री बनाए जाने पर फिर बदल हुआ है।
प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सूची जारी की है। तो बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नई सूची जारी की है, जहां बिहार भाजपा संगठन में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता अरुण जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अरुण, आप बिहार भाजपा संगठन में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, क्या है जानकारी इस खबर को लेकर? हाँ, निश्चित रूप से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के संजय जायसवाल ने आज एक सूची जारी की है, जिसमें तीन लोगों को नई जिम्मेदारी दी गई है। और ये जो फेरबदल है, वो महामंत्री थे पहले भाजपा में प्रदेश के जनक राम, उनको मंत्री बनाया गया है भाजपा के कोटे से। और भाजपा में ये नियम है कि एक व्यक्ति एक पद होता है, यानी जब वो मंत्री बन गए हैं तो उनका जो पार्टी में पद था वो उनसे लिया जा रहा है। और उसके बाद फिर बदल किया गया है, जिसमें तीन लोगों को नई जिम्मेदारी दी गई है। जो पहले से उपाध्यक्ष का पद था देवी कुमारी को, वो महामंत्री बनी है। और जबकि प्रदेश मंत्री थे सिद्धार्थ शंभु, उन्हें प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और विधायक अनिल राम को संगठन में नई जगह दी गई है, उन्हें प्रदेश मंत्री बनाया गया है। बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बता दें कि बिहार भाजपा संगठन में एक बड़ा बदलाव हुआ है। तो भारत के इतिहास में आज ही के दिन 25 जून 1975 में देश भर में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई थी। यह आदेश देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर दिए गए थे, जिसमें कई ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म दिया। भारतीय राजनीति के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद काल रहा, क्योंकि आपातकाल में भारत में चुनाव स्थगित हो गए थे। भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीने की अवधि का आपातकाल था। उस वक्त इंदिरा गांधी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर शख्स को जेल में बंद करवा दिया था। देश में आपातकाल लगते ही इंदिरा के कड़े विरोधी माने जा रहे जयप्रकाश नारायण को 26 जून की रात 1:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके साथ इंदिरा की नीतियों का विरोध कर रहे कई और नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया और देश भर की कई जेलों में डाल दिया गया। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फ्रेंड अशोक जी, देखा जाए तो आज भारत के इतिहास में आज ही के दिन 25 जून यानी 1975 का देखा जाए तो आपातकाल के 46 साल हो गए हैं, क्या अहम जानकारी इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए करिश्मा, भारत के लोकतंत्र में यह काला दिन है कि 25 और 26 जून के मध्य रात्रि यानी 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश को यह जानकारी दी थी कि महामहिम राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा की है। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि काफ़ी पहले लिखी जा चुकी थी और इसके कई कारण थे। सबसे पहला कारण तो यह था कि 1974 में जो बिहार में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था और उसकी अगुवाई जयप्रकाश नारायण ने की थी और यह संपूर्ण क्रांति के रूप में तब्दील हो गया। उसके बाद गुजरात में भी जो छात्र आंदोलन हुए थे, वहाँ छात्रों की एक बहुत बड़ी जीत हुई थी। तो एक तरह से कहिए कि समूचे देश में इंदिरा गांधी के विरोध में लहर थी और उसका नेतृत्व स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। दूसरी तरफ 1967 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि अब संविधान में कोई भी कानून में तब्दीली तभी हो सकती है जब 2/3 बहुमत सरकार के पास हो। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सरकार के हाथ पैर बांध दिए गए थे। और 1971 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारी बहुमत से चुनाव जीती थी तो उस समय रायबरेली, जहां से प्रधानमंत्री ने चुनाव जीता था, वहां उनके विपक्षी उम्मीदवार सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण ने इलाहाबाद कोर्ट में चुनौती दी थी और इलाहाबाद कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को खारिज कर दिया था। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी उस समय संकट में पड़ गई थी।
हालांकि इंदिरा गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी यह फैसला दिया था कि श्रीमती गांधी की सदस्यता तो बची रह सकती है लेकिन वह वोट में भाग नहीं ले सकते हैं। वैसी परिस्थिति में इंदिरा गांधी के पास कोई विकल्प नहीं था और 25 जून की मध्यरात्रि को देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। कहा जाता है कि इसकी पृष्ठभूमि पहले तैयार की गई थी और तत्कालीन बंगाल के मुख्यमंत्री थे सिद्धार्थ शंकर राय, उन्होंने ही प्रस्ताव दिया था और तत्कालीन जो प्रधान सचिव थे, प्राइवेट सेक्रेटरी थे श्रीमती इंदिरा गांधी के आर के धवन और उनके बेटे संजय गांधी ने आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार की थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी कीमत पर श्रीमती इंदिरा गांधी की सत्ता में बरकरार रखने की कोशिश। लेकिन अंत में वही हुआ कि 21 महीने के बाद फिर आपातकाल देश में समाप्त हुआ और 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ और उसमें श्रीमती गांधी को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन भारत के इतिहास में यह एक काली घटना है, लोकतंत्र के इतिहास में कभी भी देश में आपातकाल नहीं लगाया गया था और इसका असर बिहार पर भी पड़ा। संपूर्ण क्रांति के जो नेता थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उनको 25 जून की रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार के सभी बड़े नेता, समाजवादी नेता, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो, नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो या फिर अश्विनी कुमार चौबे हो, सुशील कुमार मोदी हो, जो उस समय छात्र आंदोलन के नेता थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। शिवानंद तिवारी थे और सभी लोग भूमिगत होकर, जो गिरफ्तार नहीं हुए थे, भूमिगत होकर के इस आंदोलन में उन्होंने अपनी भागीदारी दी थी। इमरजेंसी के समय में प्रेस पर पूरी तरह से सेंसरशिप था और किसी भी विपक्षी नेता को कुछ बोलने की और बाहर रहने की एक तरह से अनुमति नहीं थी। अघोषित इमरजेंसी के तहत एक कह सकते हैं कि जितने भी बड़े नेता थे उनको तो एक जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन प्रेस पर भी सेंसरशिप लगाए गए थे और पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि निरंकुश शासन था। जनता की आवाज़ छीन ली गई थी और उस समय कह सकते हैं कि यह देश के लिए काला अध्याय माना जा सकता है। 25 जून 1975 में देश भर में आपातकाल लगाने की घोषणा की गई थी और आपातकाल के 46 साल हो गए हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कोरोना महामारी से बचने के लिए लगातार बिहार में टीकाकरण का कार्य जारी है। बिहार में टीका एक्सप्रेस की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से बिहार के सभी इलाकों में टीका एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। टीका एक्सप्रेस वाहन पटना नगर निगम के वार्ड संख्या 62 के मध्य विद्यालय सती चौरा वगैमपुर में टीकाकरण का कार्य किया गया। इस दौरान तस्वीरों में देख सकते हैं कि टीका केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा और ना ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मास्क लगाकर काम कर रहे हैं। टीका केंद्र पर लोगों की भीड़ लगी है, काफी संख्या में टीका लगवाने के लिए केंद्र पर पहुंच रहे हैं, लेकिन टीका लेने वाले भी लोग बिना मास्क लगाकर पहुंचे हैं। यहाँ पे कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों है। कोवैक्सीन 45+ हम लोग दे रहे हैं और कोविशील्ड 18+ दे रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ा हम लोग का दिक्कत यह है कि सुबह 6 बजे हम लोग को गर्दनीबाग रिपोर्ट करना पड़ता है, वहाँ से मारूगंज हम लोग 7:30 में व्यक्ति लोग जाते हैं, यानी 6 बजे हम लोग रूम छोड़ते हैं और 6 बजे शाम को जाते हैं। यहाँ पे खाने का कोई सुविधा नहीं है। एनएमडीसी लोग हैं, ये भी हैं, सारे स्टाफ जो है भूखे पूरे दिन काम करता है, किसी को कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपने टीम को बता चुके हैं कि हम लोग को खाने का सबसे बड़ा दिक्कत है। यहाँ भी सुबह से कंटिन्यू देखिए, हमारा कोविशील्ड 200 पार हो चुका है और कोवैक्सीन भी हमारा 150 करीब पहुँच चुका है, यानी सुबह से जितने भी लोग आए एक मिनट बैठे नहीं। टोटल अभी तक कितने हुए? टोटल अभी तक 350। बांका के अमरपुर थाना के अमरपुर शाहकुंड मुख्य मार्ग पर एक बाइक और ट्रक की टक्कर में बाइक सवार दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मृतक की पहचान अमरपुर थाना के महादेवपुर गांव के राजहंस हरिचंद और राजा दास के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि तीनों युवक एक बाइक पर सवार होकर शादी में शामिल होने जा रहे थे। इसी क्रम में अमरपुर प्रखंड मुख्यालय के पास बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। स्थानीय लोगों ने सभी युवकों को अमरपुर के रेफर अस्पताल लाया, जहां दो युवकों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरे युवक को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर भेज दिया गया है। मुखिया जी के सामने, मुखिया जी के होटल के सामने हम निचले गाड़ी लगलो। क्या चीज से जा रहा था? तीन आदमी। क्या चीज से जा रहा था? बाइक।
कहाँ जाना है? बराती। कौन गाँव? बाका साइड। खड़ी ट्रक में धक्का मार दिया? खड़ी ट्रक खड़ी और गाड़ी वो भी खड़ी है। अच्छा, ये तो हमने देखे कि सामना सामने, लेकिन गिरा हुआ था हम देखे। बगहा गंडक के जलस्तर में कमी के साथ ही नदी की धारा तेज हो गई है। नगर के कई जगहों पर नदी का दबाव बढ़ गया है और नदी का दबाव सबसे अधिक नगर के अग्रवाल वाटिका के पास देखा जा रहा है, जहां गंडक नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। जलस्तर कम होने पर गंडक नदी कटाव कर रही है। नगर के अग्रवाल वाटिका के पास गंडक नदी कटाव कर रही है। यहाँ बोल्डर पिचिंग कट रहा है। नदी के यानी पर 4 मीटर चौड़ी बोल्डर का बांध कट रहा, जिससे नदी तट पर बसे ग्रामीणों में भय और दहशत का माहौल है। बोल्डर पिचिंग बांध के कटाव की खबर की सूचना पर अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि नदी सीधे तट से टकरा रही है, जिससे कटाव के हालात बन गए हैं। गंडक विभाग के कार्यपालक अभियंता विष्णु प्रकाश परवाना बताया कि सूचना पर टीम वहां पहुंची है। अभियंताओं की टीम काम कर रही। नदी का करंट बहुत तेज है, इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को दी गई है। वरीय पदाधिकारियों को दिशा निर्देश पर कार्य किया जाएगा। हालांकि अभी कटाव की स्थिति स्थिर बनी हुई है। नदी विभाग के जो भी लोग आए हैं, आप यहां पे दिखा सकते हैं, जो भी ये सिल्टी आया हुआ है, इसमें आधे में मिट्टी और आधे में सिल्टी है, और जो वजन इसके अंदर होना चाहिए वजन नहीं है, 10 किलो 12 किलो वजन है, और ये जो भरा गया है इसमें किसी में भी 10 12 से ज्यादा बोरा नहीं डाला गया है, सब में 10 12 डाला गया है, किसी में 25 नहीं है। क्या ये टिक पाएगा? हमने इस मामले में सबको कॉल किया था, SDM साहब को भी कॉल करके बताया। SDM साहब बोले ठीक है, हम बात करते हैं। उसके बाद से कोई किसी का कुछ भी पता नहीं है, प्रशासन भी बिल्कुल। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि इस बांध को बढ़िया से प्रशासन अपने देखरेख में आगे करवा दे। अधिक जानकारी के लिए बगहा से हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राकेश, आजुसा से गंडक के जलस्तर में कमी तो जरूर आई है, लेकिन नदी की जो धारा है वो तेज हो गई, जिसकी वजह से कटाव की स्थिति बन गई है। फिलहाल क्या कुछ कार्य किए जा रहे प्रशासन की तरफ से, किस तरह का देखरेख किया जा रहा है? बता दें कि गंडक नदी के जलस्तर में जब कमी होने के बाद कटाव तेज हो गया है, हर बांध पर दबाव बन रहा है। पिपरा पिपराती तटबंध हो या नगर के जो बचाने के जो तटबंध है, उस पर बोल्डर पिचिंग हुई थी, जो बोल्डर पिचिंग पानी के दबाव से कट रहा है, और जो अधिकारी अभियंता जो है वहां बोरे में मिट्टी भरकर उसको बचाने की कवायद की जा रही है, ताकि शहर को सुरक्षित बचाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बोल्डर पिचिंग को बचाने के लिए जो बोरे डाले जा रहे थे, जो वहाँ अधिकारी अभियंताओं की टीम जो अधिकारी जो वहाँ मौजूद थे, जिनकी देख रेख में वहाँ बचाव कार्य करना था, वो वहाँ आराम फरमा रहे थे और वो सो रहे थे। उनसे पूछा जब हम लोग कशिश की टीम ने उनसे पूछना भी चाहा, बात करना भी चाहा, तो नींद में इतने आगोश में थे कि वो उठ कर कोई जवाब भी नहीं दिए। जो ठेकेदार को लगाया गया मनमाने तरीके से वहाँ काम कर रहे हैं, लोगों में काफी असंतोष की भावना, लोगों का आरोप है जो गुणवत्ता पर जो बोरों की गुणवत्ता होनी चाहिए, सिम डालना चाहिए, तो उसमें मिट्टी भरी जा रही है, वो भी जो मिट्टी जो क्षमता होना चाहिए वो क्षमता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सेंड की जगह मिट्टी डालने के बाद पानी में मिट्टी घुल कर और बह जाता है, जिसके कारण फिर कटाव का डर बना रहेगा। लेकिन जो अधिकारी हैं, जिनको मुस्तैदी में जिनकी देख रेख में घर को बचाने की कवायद की गई, लेकिन खुद आराम पर मारे मनमानी वहाँ चल रही है, और ग्रामीणों में दहशत है, अगर कटाव बढ़ा तो फिर नगर के दहशत उत्पन्न हो जाएगा, शहर का कट जाएगा। ये बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बगहा में बारिश से हाल बेहाल हो गया है। बारिश के कारण पहाड़ी नदियां उफान पर है, जिसके कारण निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। लगभग एक दर्जन गांव पानी से गिर गए हैं। किसानों को भी बारिश से काफी नुकसान हुआ है, किसानों की फसल खराब हो गई है, और साथ ही बाढ़ के कारण लोगों में काफी दहशत है। नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले में दहेज लोभी ससुराल वालों ने मांग पूरी नहीं होने पर विवाहित को लोहे के रड से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। साक्ष्य छिपाने के लिए ससुराल वालों ने उसके शव को फंदे से लटका दिया, ताकि हत्या नहीं आत्महत्या प्रतीत हो। मृतक का धीरेन्द्र कुमार की पत्नी सुमन कुमारी और
जो कि शिवपुरी मोहल्ले में सुनील कुमार के घर अज्ञानी किराए पर रहती थी। घटना के संबंध में मृतका के बहनोई ने कहा कि सुमन कुमार की हत्या उसके पति ने ही की है। अक्सर धीरेन्द्र कुमार दहेज के लिए अपनी पत्नी को टॉर्चर किया करता था। मृतका के पिता महेश प्रसाद ने बताया कि 2017 में बेटी की शादी बड़े अरमानों के साथ शेखपुरा जिले के पर्वती गांव निवासी विष्णुदेव प्रसाद के पुत्र धीरेन्द्र कुमार से की थी। शादी के समय अच्छी खासी रकम और सामान दिया गया था, बावजूद दामाद अक्सर बेटी को प्रताड़ित किया करता था। सदर DSP डॉक्टर शिवबली नुमानी ने बताया कि परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जबकि डेंटिस्ट डॉक्टर ने खुद से फांसी लगाए जाने की बात कही है। फिलहाल पुलिस पति को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां बारातियों से भरी बस में अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोगों की स्थिति खराब है, जहां SSP मुजफ्फरपुर और ASP SDM समेत अन्य आला अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल जख्मी लोगों को इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। SDM ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे की राशि देने का निर्देश स्थानीय CO को दिया है। और बताया जा रहा है कि NH28 किनारे बस खड़ी थी, कुछ लोग बस से नीचे उतरे थे। इसी क्रम में अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। NH पे एक्सीडेंट हुआ, एक ट्रक ने एक बस रुकी हुई थी जिसका टायर पंचर था, टायर बन रहा था, उसी को पीछे से आके टक्कर मार दी। उसी में कुछ जो लोग सड़क पे मौजूद थे उसमें 4 लोगों की डेथ हुई है, बाकी 8-10 लोग इंजर्ड हुए हैं, सबको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। ना हुआ है, बस का अगला चक्का दहिना पंचर हो गया था। अच्छा, तो खलासी रोक के आ रहा, वो चक्का माने बोल्ट खोल रहा था, आगे में हम लोग सब पैसेंजर खड़े थे, इसी बीच में पीछे से ट्रक आके ठोका। कितना घायल लगभग? लातेहार जिला के बरियातू प्रखंड क्षेत्र के इटके ग्राम में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार दोनों पक्ष आपस में गोतियां हैं और इनके बीच वर्षों से भूमि को लेकर विवाद चलता रहा है। गुरुवार को भी विवादित भूमि को दोनों पक्ष अपना बताकर आपस में भिड़ गए। घटना के बाद सभी घायलों का इलाज बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर अशोक ओड़िया के देखरेख में किया गया है। वही घटना में गंभीर रूप से घायल शौकत अली और हशमतुल्लाह को बेहतर इलाज हेतु रांची रिम्स रेफर किया गया है। नवादा के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से एक बड़ी घटना सामने आई, जहां रिमझिम बारिश में अचानक वज्रपात होने से एक 28 वर्षीय युवक की मौत घटनास्थल पर हो गई। मृत युवक की पहचान परैठा गांव निवासी भोला राम के 28 वर्षीय पुत्र महेश राम के रूप में किया गया। और बताया जा रहा कि युवक महेश राम अपने ससुराल रो थाना के मरुई गांव गए हुए थे और धान के बिचड़े बोने के लिए खेत में हल जोत रहे थे। इसी बीच रिमझिम बारिश में अचानक वज्रपात होने से महेश राम की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं मौत की खबर मिलते ही परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना की जानकारी रो थाने को दी गई। सूचना मिलते ही रो पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।